दिस इज यूके लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखें इन शॉप्स से जो है फ्री में पाउंड्स मिल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का व्लॉग भी एज यूजुअल किचन से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि है रमज़ान तो आपको पता है सहर और इफ्तार के वक्त ही किचन में आना होता है, बाकी टाइम तो रूम में सोते सोते ही गुजर जाता है आजकल के ये हालात है। तो यहाँ पर एज यूजुअल जो है मैं फ्रूट चाट अपने लिए बना रहा था, और बनाते 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 काफ़ी टाइम हो गया, फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गया और फिर मैं दोबारा रेस्ट के लिए चला गया। सो बिसाइड जोक्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बैंगर में जॉब्स पर, कि बैंगर में जॉब्स अवेलेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे मैसेजेस भी मुझे आ रहे थे। तो आई थॉट टू मेक अ वीडियो एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। एक चीज़ आपको और बता दूँ, किचन जो है वो शेयरिंग किचन होता है अकोमोडेशन का, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सिर्फ अपने आप को ही दिखाता हूँ, क्योंकि मैं किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करता। It's so cold outside, yeah? Ooh, ये है right now रात के मनाजिर, और इस वक्त अपन जा रहा है हाई स्ट्रीट। किसी का दिल छोटा है तो वो यहाँ पर अकेला नहीं चल सकता, उसको डर लगेगा जैसे मुझे भी बचपन में लगता था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता, आपको भी नहीं लगेगा अगर आप यूके आ जाते हैं। ऐसे जंगल आपको मिल जाएंगे कई, जैसे आप बैंगर में आएंगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट शौक शौक में यूके तो आ जाएंगे बैंगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके, बट फिर ऐसे भी होता है। इस वक्त जो है मैं हाई स्ट्रीट में एंटर होने लगा हूँ, जो पीछे देखें पूरा माउंटेन जो है वह नीचे आना पड़ता है, और लेट मी शो यू के जस्ट मोमेंट। ज़्यादा यहाँ पर शॉप्स नहीं है, यहाँ भी देखें ऑलमोस्ट जो है वो सब कुछ क्लोज है, एक दो चीज़ें ओपन होंगी। तो जब हाई स्ट्रीट ही नहीं है, जब शॉप्स ही नहीं है, जब मार्केट्स ही नहीं है, तो आपको जॉब कहाँ मिलेगी? बहुत कम जॉब्स होती हैं, और जो होती भी हैं वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। अब आ चुका हूँ जी मैं ऑफिशियली जो है इनकी जो मेन स्ट्रीट है उसमें। लेट मी शो यू द व्यू ऑफ मेन स्ट्रीट, और फिर आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि बैंगर में जॉब्स अवेलेबिलिटी जो है वो है या नहीं है। लेट्स हैव अ लुक। ये हाल है स्ट्रीट का, कौन सी आप मुझे लिटरली बताएं, सिर्फ चंद एक रेस्टोरेंट्स हैं या फिर ये जो है कुछ ग्रॉसरी स्टोर या कुछ इस तरह से ओपन है, बाकी कुछ भी नहीं ओपन यहाँ पे, सब कुछ क्लोज। सो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है कि बैंगर में जो है पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल नहीं है। पार्ट टाइम भी नहीं है तो फुल टाइम तो फिर बहुत ही दूर की बात है ना, और वैसे भी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी आ रहे हैं बैंगर में, वो बैंगर में स्टे नहीं करते, बहुत रेयर स्टूडेंट्स बैंगर में स्टे कर रहे हैं, अदरवाइज़ तमाम के तमाम स्टूडेंट आउट ऑफ बैंगर स्टे करते हैं और जॉब जो है वो उन सिटीज़ में करते हैं, और वहाँ से जो है वो लोग आते हैं अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए। सो मैं क्या सजेस्ट करूँगा, अगर आपने यूके आना ही आना है तो बैंगर यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अ बैड यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी स्टडीज़ हैं, सब कुछ बहुत प्रोफेशनल्स आपको पढ़ाते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, सब कुछ वैसे ही होता है, और अब तो इवन यूनिवर्सिटी को अवार्ड भी मिल गया है सेकेंड बेस्ट यूनिवर्सिटी इन वेल्स। सो यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी गुड, बट द प्लेस वेयर यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड द प्लेस इज़ नॉट गुड, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन। बैंगर जो है एक स्मॉल टाउन है, यहाँ पर जो है ज़्यादा मार्केट्स नहीं हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक असेंशियल सब हैं। हाँ, अगर आप रहना चाहते हैं बैंगर में, बेसिक सब कुछ है, आप बहुत अच्छी लाइफ भी गुजार सकते हैं, बट जॉब नहीं है, बेसिक इशू यही भी यही है। अब ये देखें ये शॉप है, सब क्लोज। वैसे भी यूके में आप आएंगे तो मोस्ट मेन सिटीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं और जल्दी बंद हो जाती हैं, बट हर जगह ऐसा नहीं होता। आप आएँ, ज़रूर आएँ If you want to come in a banger, so फिर आप अपना plan जो है वो बहुत strong बना के आएँ कि आपने travel किस तरह करना है, आपने जो है classes जो है किस तरह manage करनी है, किस तरह से आपने classes लेनी है, traveling का आपका एक बहुत अच्छी application है, train line है, आप वो download कर सकते हैं,
ट्रैवलिंग के फेयर्स चेक करने के लिए। पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कंफ्यूज होते हैं कि कैसे वो पता चलाएंगे कि कितना फेयर लगता है। तो आप जस्ट ट्रेन लाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पर आप सर्च करके और वहाँ पर एस्टिमेटेड प्राइसेस आपको जो है पता चल जाती हैं। बाकी आपको एस्टिमेटेड इसलिए आप यहाँ आते हैं, आपको स्टूडेंट कार्ड पे आपको और डिस्काउंट मिल जाता है, तो उससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो ये चीज़ है, अपनी चीज़ें मैनेज करके आएँ कि क्लासेस कैसे लेनी है, कैसे आपने ट्रैवलिंग को मैनेज करना है और बड़े सिटीज़ में कौन सी जगह पर रहना है जहाँ पर आपको ट्रैवलिंग ईजी हो बैंगर आने के लिए। और अपनी यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट ज़रूर रखें, बैंगर से कॉन्टैक्ट ज़रूर रखें, पूछें उनसे कि क्लासेस नॉर्मली कितने दिन होती हैं। वैसे तो 2 से 3 दिन होती हैं, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कोर्सेज। आई एम इन बिजनेस एंड मार्केटिंग, सो 2 से 3 दिन ही जस्ट क्लासेस होती हैं। बस ये एक जगह है जहाँ पर आपको सम ऑफ द टाइम यंगस्टर्स का क्राउड नज़र आता है, वरना कुछ भी नज़र नहीं आता यहाँ पर, लिटरली कुछ भी नहीं। खूबसूरत जगहें बहुत खूबसूरत भी हैं घूमने के लिए, आप बाहर निकलें। डिफरेंट जो है सी साइड्स बहुत खूबसूरत हैं, ब्रिजेस बहुत खूबसूरत हैं, माउंटेन एरियाज बहुत खूबसूरत हैं, बट देयर आर नो जॉब्स इन बैंगलोर। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।